बाबा अंबेडकर साहब का भारतीय संविधान। बाबा अंबेडकर साहब उस प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे जिसने संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। संविधान का प्रारूप प्रस्तुत करने संविधान सभा के सुझावों के अनुसार आवश्यक परिवर्तन का कार्य डॉक्टर अंबेडकर ने संभाला। अंबेडकर को भारतीय संविधान का पिता यानी कि जनक भी कहा जाता है। बाबा साहब ने संविधान के बारे में क्या कहा? बाबा साहब ने 26 नवंबर 1949 को ही संविधान सभा में कहा था कि मैं इस संविधान के गुणों के बारे में कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि मैं समझता हूँ कि संविधान चाहे जितना भी अच्छा हो, यदि इसे लागू करने वाले लोग बुरे हैं तो वह निस्संदेह बुरा हो जाता है। 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी की तारीख चुनने का भी ऐतिहासिक कारण था। दरअसल 26 जनवरी 1930 को राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत को पूर्व स्वराज घोषित किया गया था। इस तारीख को महत्व देने के लिए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। अंबेडकर साहब को 1947 में संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था क्योंकि बाबा अंबेडकर साहब एक बुद्धिमान संवैधानिक विशेषज्ञ थे जिन्होंने लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया था। इसी योगदान के लिए बाबा साहब को भारत के संविधान के जनक के रूप में भी जाना जाता है। अंबेडकर साहब के निर्माण किए गए संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले प्रथम व्यक्ति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड डॉक्टर जवाहरलाल पंडित नेहरू जी थे। संविधान निर्माता होने का श्रेय बाबा अंबेडकर साहब को दिया जाता है, लेकिन संविधान को प्रेम बिहारी नारायण राय जादा ने अपने हाथों से लिखा था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया जिसके बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान अपना लिया गया। सांसद विक्रम उसेडी ने कहा कि भारत के लिए गौरव की बात है कि डॉक्टर अंबेडकर सबसे बड़े विद्वान माने जाते हैं। उनके पास 16 डिग्रियां थी जो विश्व में किसी के पास नहीं है। भारत के संविधान के निर्माण में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। संविधान के पहले पेज पर ही भगवान राम के चित्र से प्रारंभ होता है। संविधान की परिभाषा किसी राष्ट्र, राज्य या सामाजिक समूह के मूल सिद्धांत और कानून जो सरकार की शक्तियों और कर्तव्यों को निर्धारित करते हैं और इसमें लोगों को कुछ अधिकारों की गारंटी भी देते हैं। संविधान का मुख्य कार्य क्या होता है? नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करना, राज्य को वैचारिक समर्थन और वैधता प्रदान करना, भविष्य की दृष्टि के साथ एक आदर्श शासन संरचना का निर्माण करना होता है। यही संविधान का मुख्य कार्य है। भारतीय संविधान में 22 भागों में विभाजित किया गया है तथा इसमें 395 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियां हैं। आज भारत के देश में कोई भी जाति या फिर कोई भी जाति की सरकार हो, भारत देश में सरकार आए उस सरकार को डॉक्टर बाबा अंबेडकर साहब के निर्माण किए गए हुए संविधान के नियमों पर ही चलना पड़ता है। ऐसे महान थे हमारे डॉक्टर अंबेडकर साहब। दोस्तों, आज तक विश्व में डॉक्टर अंबेडकर साहब जैसा कोई देखने को नहीं मिला क्योंकि ये इतने बुद्धिमान थे, क्योंकि इनके आगे बोलने से अच्छे अच्छे लोगों को पसीने छूट जाते थे, क्योंकि ये सीधे और उल्टे दोनों ही तरह के जवाब देने जाते थे, इसलिए इनके सामने किसी से बोलने की औकात नहीं होती थी। ऐसे हमारे प्रतिनिधि
संविधान के निर्माता डॉक्टर बी राम अम्बेडकर साहब के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं उनको कोटि कोटि नमन करते हैं। जय भीम, जय संविधान।